फ्रेंड्स, आज हम लाए हैं ढाबा स्टाइल मिक्स दाल की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है और बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान होती है। तो एक बार आप इस वाली रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को फुल वॉच कीजिए। और अगर वीडियो पर नहीं आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो आइए बनाते हैं आज की रेसिपी। तो उसके लिए मैंने ये दाल के लिए ले ली है, दाल मैंने ये चने की दाल ली है, एक बाउल के करीब मैंने चने की दाल ली है। जितनी आपको ज़रूरत है उसी अकॉर्डिंग आप ले लीजिए और इसको धोकर अच्छी तरह से इसके ऊपर जो पाउडर है धो लीजिए। और सारा पाउडर निकलने के बाद अब इसमें कुकर में हम डाल देंगे। मैंने जितनी दाल ली है उससे दो गुना मैंने इसमें पानी डाला है और इसमें पानी डालकर आप इसमें अब मसालों को भी ऐड करेंगे। उससे पहले मैंने ये घिया थी मेरे पास, घिया ले ली है। घिया बच्चे वैसे नहीं खाते हैं, पर दाल में अगर हम डाल दें तो उनको पता भी नहीं चलेगा और ये हेल्थी भी बन जाती है। दाल तो वैसे भी हेल्थी होती है। तो देखिए, अब मैंने इसमें एक मीडियम साइज़ का टमाटर काट लिया है रफली, और ये प्याज काट दिया है, ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और ये इसमें अदरक लिया है, अदरक को भी आप इसमें ऐसे ही डाल दीजिए। दो हरी मिर्च ली है, नमक एक चम्मच के करीब लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डालें। धनिया पाउडर एक चम्मच, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चौथाई चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, ये सारे मसाले आप इसमें ऐड कर दीजिए। और दो चम्मच मैंने इसमें कुकिंग ऑयल लिया है और इन सबको डालकर आप इसमें मिक्स कर लीजिए। कुकिंग ऑयल आप कोई भी अपनी अकॉर्डिंग कोई भी ले सकते हैं। तो इसको मिक्स करके हमें इसको मिक्स करना है। देखिए, सारे मसाले अब अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएंगे। अब हमें इसे सीटी देनी है। तो अब देखिए, कुकर को हम बंद कर देते हैं और इसमें हमें चार सीटी देनी है। चार सीटी देने के बाद ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप दाल तो बनाते ही हैं, एक बार इस वाली तरह से भी बना के देखें, आपकी एकदम दाल ढाबा स्टाइल बनेगी और बहुत ही टेस्टी दाल तैयार होती है। तो देखिए, मैंने इसमें सीटी दे ली है, अब इसको हम खोल कर देखते हैं। तो देखिए, सारी ये अब ये अच्छी तरह सारी सब्जियां इसमें जो थी मिक्स हो गई है और ये दाल भी हमारी अच्छी तरह से देखिए बिल्कुल तैयार हो गई है। और इसको हम थोड़ा सा और अच्छी तरह से ऐसे मिक्स कर लेंगे, जिससे इसमें अगर कुछ घिया वगैरह थोड़ी बड़ी होगी तो वो मिक्स हो जाएगी, मैस हो जाएगी। तो इस तरह से आप देखिए, इसमें अच्छी तरह से इसमें कड़छी से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। तो अब इसका तड़का तैयार करते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन रख लिया है। तो पैन देखिए, हम ये ऐसे पैन गैस पर रखते हैं तो ये ऐसे गिरता रहता है और जिससे हमें तड़का वगैरह लगाने में बड़ी दिक्कत होती है। उसके लिए आप क्या कीजिए, एक टी कप ऐसे रख लीजिए, कोई भी बर्तन आप रख लीजिए, और जिससे ये देखिए एक बार अच्छी तरह से इसको आप सेट कर ले और इसके बाद बिल्कुल भी ये नहीं हिलेगा और आराम से आप तड़का लगा सकते हैं। ये छोटा सा जुगाड़ है जिसको आप करें। अब आधे चम्मच बड़े चम्मच को घी को मेल्ट हो जाने के बाद इसमें जीरा डाल दिया एक चम्मच, और एक चौथाई चम्मच हींग डाली है, और तीन मैंने ये साबुत लाल मिर्च डाल दी है। और इन सबको हमें अच्छी तरह से भून लेना है। तो इसको देखिए हल्का हल्का सा भून लेंगे। और ये अब मैंने इसमें लाल मिर्च एक चम्मच के करीब डाल दी है। मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिए, जितना स्पाइसी आप खाते हो उसी अकॉर्डिंग डाल लीजिए। एक चम्मच धनिया पाउडर इसमें ऐड किया है और इनको हम अब भून लेंगे। और ये हमारा तड़का तैयार हो गया है। अब हम इसे दाल में मिक्स करते हैं। तो देखिए, अब ये बिल्कुल डाल दिया हमें इसमें, और कोई मसाले ऐड करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने इसमें पहले ही मसाले सारे डाले हुए हैं। गरम मसाला वगैरह हमने इसमें सब डाला हुआ है। अब धनिया पत्ते को धोकर बारीक काट कर मैंने इसको भी ऐड कर दिया है। तो देखिए, हमारी ये ढाबा स्टाइल तड़का दाल तैयार हो गई है। तो आप इसको लंच में बनाएं, डिनर में बनाएं, जैसे भी आपका मन हो वैसे बनाकर आप इसको इंजॉय करें। आप इसे चावल, चपाती या नान किसी के साथ भी बनाकर खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। यह रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और चैनल पर अगर आप नए आए हैं और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं आपसे इसी तरह की एक और नई रेसिपी के साथ। तो आप बनाए, इंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। हैव ए नाइस डे फ्रेंड, बाय बाय।